दानदली करके लाहौर की सीट हासिल तो कर ली मगर अब नून लीग के अपने उम्मीदवार ही खुलकर कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ बहुत बड़ी दानली की गई है इस पर आज इरशाद भट्टी ने नवाज शरीफ को ऐसा आईना दिखाया कि मजा आ गया आए पहले इरशाद भट्टी की गुफ्तु सुनते हैं फिर इस पर तफसील से बात करते हैं ये इरशाद भट्टी साहब मौलाना साहब जो जिस नाराजगी का इजहार कर रहे हैं इसमें यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्चुअली ज्यादा नाराजगी के केपी के हवाले से ही है जहां पे एक्चुअली पाकिस्तान तरीके जीती है और अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले पाकिस्तान तरीके का वक्त ही जो है मौलाना साहब के पास मिलने के लिए चला गया तो मौलाना साहब की तो तो के के हाले से पखतुनखा के हवाले से है देखिए पहली बात तो है कि जब हम जैद सियासतदान पर आते हैं जमहूरी सियासतदान पर आते हैं तो फिर मुकम्मल बात करनी चाहिए ठीक है दो हजार अठारह के बाद इमरान खान की हकूमत में पी डीएम बनी थी और पी डीएम वन और उसके सरबरा मौलाना साहब थे छब्बीस नुकात थे और लुबे लुबा उन निकात का था असली और वदिया जमहूत अब मौलाना साहब ने जब धरना लाए और कॉल ऑफ किया तो उन्होंने खुद बताया है कि जन फैज़ हमीद के कहने पर मैं धरना कॉल ऑफ करके गया था ये थी पी डी एम सरबराह की असली और वदिया जमहूरियत के अगले महीने आप इमरान हकूमत फारग कर देंगे और इलेक्शन करा देंगे लिहाजा में धरना लेके प्लान ए प्लान बी प्लान सी ठीक है अगले जैद पे आ जाइए शहबाज शरीफ साहब मोहतर माला हज़रत कि मैं इलेक्शन से पहले ही एक महीना पहले ही वज़र अजम बन चुका था और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे ये मेरे ख्याल से दुनिया की हिस्ट्री का अजीब व गरीब जमहूरी सियासतदान है अगले पे आ जाइए ख्वाजा सब बताते हैं कि दो हज़ार उन्नीस में ही हमसे रबता हो गया था और पहले हमें कहा गया था कि आप ले लें पंजाब हुकूमत फिर मरकज ये उनकी ले लें फिर ख्वाजा से बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इस्टेबलिशमेंट ने बायर भिजवाया सिर्फ एक ए, चंद जुमले मंसूर भाई इस्टेब्लिशमेंट ने बायर भिजवाया नवाज शीफ साहब को मतलब मेडिकल रिपोर्टें जाली थी अच्छा फिर आगे आ जाइए एक और जय्यत जरदारी साहब के फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि कोई फार्मूला बनाओ मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ तो ये तो वो है सारे जैयत अब मौलाना साहब की बात उन्होंने एक और भी की है उन्होंने कहा है कि हम सबको बुलाया गया हम सबको बताया गया कि तरीके इतमित आने वाली है और किस तरह चलना है चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने पहले मोर लगा दी तो अब मैं अगर मोर ना लगाता तो समझा जाता हालांकि इस पर हंसना चाहिए लेकिन चलो मौलाना साहब की बात कर लेते हैं कि इस मैं मोर न लगाता तो समझना कि इमरान खान को मैं बचा रहा हूं। शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है और यह तसर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है और ए, ए, ये भी तासर मौजूद है कि यह इस धांधली का सारा फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है है। अब मुझे बताइए मौलाना साहब की बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं कि बलुचिस्तान की वजारत आला सदारत के पी और बाकी सारा के गंगा में मुझे क्यों नहीं अस्नान करवाया गया इस 2024 की गंगा में लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब उनका हिस्सा थे उनके सरबरात थे और आखिरी चांद जुमले इस वक्त भाई जान ए, इस मुल्क में चल रही है वो एक फिल्म थी कभी खुशी कभी गम मुल्क को देख लें खुशी ये है कि इलेक्शन हो गए गम ये है कि कैसे हो किस तरह के इलेक्शन हो गए और आगे आ जाए इस पे मुकॉम पर कि वो निकली उसने वोट डाला खुशी ये है, गम ये है कि वोट डाला कहां थे, से निकला कहां से था अच्छा फिर आगे आ जाइए पीटीआई पे खुशी ये है कि कप्तान जेल में टीम सी बल्लाड नहीं, नहीं उन्होंने छिहत्तर साल तारीख बदल दी गम ये है कि वो कहते हैं हमारी सत्तर पचहत्तर या पचास से साठ सीटें और आखिरी बात पीपल्स पार्टी पर खुशी ये है कि वो किंग मेकर है गम ये है कि बिलावल भुट्टो नहीं बन सके और मुस्लिम लीग नून खुशी ये है कि इकतदार पंजाब में मिल गया गम ये है कि नवाज शरीफ दिखाया गया शबाज शरीफ लाया गया <laughs> तो ये अजीब और गरीब है जैय सियासतदान जैत जमूरीत ये सारे फिर ऐसे ही हैं ठीक है, थेक है, थेक एम, है। करें मैं मैं मतलब ये और उन्होंने कहा कि आपने सुन ली सारी के कोई बनता ही नहीं है बहुत ज्यादा धांधली हुई है ये रिश्तों का तो खर मुझे पता नहीं रिश्ते तो भट्टी साहब भी अच्छे जोड़ लेते हैं आपको पता है लेकिन ये जो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना बा कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि मैं तो खुद शौक में हूँ नौ मई वाले जीत गए भाई मंसूर साहब उठे हैं जागे हैं पानी पिए हैं नौ मई वाले सारे जीत गए जो आप अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखेंगे भाई जबा इश्तेहारी है कानून तो हरकत में आएगा तो क्या स्टे के वजीर आला होंगे खैबर पख्तून में स्टे के वजीर आला होंगे लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो दो हजार अठारह में हुआ आर टी एस बैठा दो हजार अठारह में भी एक एक दिन पहले चाहे हनीफ हनीफाबासी साहब हों चाहे कमर इस्लाम साहब उनको एक एक दिन पहले नहीं उठाया गया था दो दो दिन पहले नहीं उठाया गया था इलेक्शन से नवाज शरीफ साहब अलाउड नहीं थे मरीम नवाज़ की एक रैली एक जलसा अभी भट्टी साहब ने फरमाया बड़े मेरे सीनियर हैं मैं तो इनकी फैन हूँ मैं मतलब बहुत इंजॉय करती हूँ भट्टी साहब के तजिए लेकिन मसला ये है कि मरियम नवाज की एक जो रैली है ना उसका टक्कर तक नहीं चल सकता था अब जो बल्ले का मसला है ना बल्ले का मसला वो है जी कुछ शहर के लोग भी सन कुछ सानू मरन का शौक भी सी इमरान खान साहब ने तो कंटेस्ट करना नहीं था बाकियों को कैसे कंटेस्ट करने देते बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब को अभी हुकूमत नहीं बनानी है उनको पसूड़ी डालनी है क्यों नहीं हुकूमत बनानी क्योंकि वो तो खुद वजी अजम है नहीं वो तो क्वालिफाई नहीं कर सकते तो वो कैसे देख लें किसी और को पार्लियामेंट के मनसब को देखिए पहली बात तो ये है कि 2018, 2013, 2008, 2002 इसी तरह चलते जाइए पीछे चलते जाइए 1970 के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ इंतबात फेयर थे ठीक है ए, कितने फेयर थे ये मुझे नहीं पता लेकिन उनके उस बाकी कोई इंतबात शफाफ नहीं थे लेकिन आप जब 2018 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 2024 2018 का बाप है आप देखिए बिलाशुबा नौ मई हुआ बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ बिलाशुबा वो एक शर्मनाक दिन था बिलाशुबा नहीं होना चाहिए था और बिलाशुबा उनके मुलज़मों और मुजरमों को आप ए, 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 सजा देनी चाहिए ठीक है लेकिन क्या 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार पकड़े गए थे अच्छा क्या 2018 के इलेक्शन में इस तरह तजवीज कुनिंदे तइद कुनिंदे पकड़े गए थे क्या 2018 के इलेक्शन में नाम पेपर जो नामजदगी है फाड़े गए थे छीने गए थे या इतने थोक के हिसाब से मुस्तरद किए गए थे ठीक है क्या 2018 में किसी पार्टी से निशान छीना गया था क्या 2018 में किसी पार्टी को जलसा जलूस रैली छोड़े कार्नर मीटिंग की इजाजत नहीं थी क्या 2018 में जिस तरह एक जमात के पुलिस थानों में इजलास होते थे कि बताएं आपके हल्के में कौन है सर करता आदमी दूसरी जमात का कि 2000 और फिर आगे आ जाइए तो प्री पोल हो गया पोल वाल आगे आ जाइए नौ से पांच तक इलेक्शन था उसके बाद देख लें दस जमातें देख लें मौलाना साहब जो उस वक्त धांधली के सबसे मेरा भी छोड़ दें किसी और का भी तबसरा छोड़ दें मौलाना साहब जो उस वक्त पी के सरबराह थे जो उस वक्त कह रहे थे कि यह सिलेक्टेड हुकूमत है इमरान खान की धांधली ज्यादा हुकूमत है वो आज कह रहे हैं कि दो हजार अठारह में अगर धांधली हुई थी तो अब धांधला हुआ है 2018 में अगर धान ली हुई तो अब वो कह रहे हैं कि आ, अब तो भाई 2018 का रिकॉर्ड टूट गया है तो मौलाना साहब की बात छोड़ दें 10 जमातें 16 जनवरी को निकल रही हैं बाहर उनका ले साहब है यह भी कहा कि मीडिया आठ नौ बजे ही कहना शुरू हो गया कि जनाब फला जीत गया है फ्ला जीत रहा है ये नहीं करना चाहिए था अभी सिर्फ आठ दस परसेंट रिजल्ट आए थे तो ये भी तो मीडिया का कसूर है ना फिर जी मीडिया का तो ये भी कसूर है कि वो वैसे एक बात है कि वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो रात का हारा हुआ अगर दिन को जीत जाए तो उसे हारा हुआ नहीं कहते अच्छा। तो मीडिया का तो कसूर हजूर ये है ये वही मीडिया है जो 2018 में था और ये वही मीडिया है जो बता रहा था और सुना रहा था और जिस तरह रिजल्ट आ रहा था और फिर जिस तरह रुक गया और फिर जिस तरह जो कुछ हुआ ये मीडिया ही था आप मीडिया पे अगर कोई चला भी दे कि ये फलां जीत रहा है फलां हार जाए इससे इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर पर क्या फर्क पड़ता है अच्छा क्या जो ई या जो भी था इस वक्त वो मीडिया से रिलेटेड था तो जो कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया वो उसने देखकर रिपोर्ट किया और जो कुछ देखा वो रिपोर्ट उसने बाद में भी किया ठीक है तो अगर 2018 और 2024 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता बन ठीक है और आगे सर पॉइंट आ, गया अगर आप ये कहना चाहते आ गया सर पॉइंट आपका आ गया बीनी सलीम साहब मैं भट्टी साहब की वो बात उन्होंने कहा जी 2024 जो है वो 2018 का भी बाप है आपने इरशाद भट्टी और मंसूर अली खान की گفتگو सुनी इरशाद भट्टी ने कहा कि मौलाना फजूल रहमान का तो ये हमेशा से वतीरा रहा है कि जिस पार्टी की ये अक्षरियत देखते हैं उसी पार्टी में छलांग लगाकर शामिल हो जाते हैं और फिर 5 साल तक उस पार्टी के साथ मिलके وزارتوں के मजे लूटते हैं और हमेशा की तरह फजलान इस बार भी पी टी आई के साथ इतिहाद करने को तरजीह दे रहे हैं इर्शाद भट्टी ने कहा कि नवाज शरीफ सादा अक्सरियत लेने के चक्कर में थे और अपनी पूरी कंपेन में इन्होंने आवाम के साथ धोखा किया और अखबार के फ्रंट पेज पर यह इश्तहार छपाते रहे कि आने वाला नेक्स्ट वजीर अजम नवाज शरीफ ही होगा मगर जब नवाज शरीफ को अक्सरीत ना मिली तो अब नवाज शरीफ ने हमेशा की तरह अवाम से धोखा किया और ख़ुद पीछे हो गया और अपने भाई शहबाज शरीफ को आगे कर रहा है और उसको वज़िर आजम बनने के लिए नामजद कर दिया गया है क्योंकि यह बहुत ही कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है इमरान खान से इन्होंने बला छीन लिया कंपेन भी नहीं करने दी मगर इसके बावजूद इमरान खान ने नून लीग को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि तारीख रकम कर दी नाजीन आपका इस हवाले से क्या कहना है आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज